जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीरज और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में, एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। दोस्तों आज की वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस में, जो कि इंडिया के कई स्टेशनों के लिए निकली है और कई पदों पे यह भर्ती है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और इसमें कितनी एज क्राइटेरिया रखा गया है, और अगर आपका एनसीसी है तो आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आप 12वीं क्लास साइंस साइड से पढ़ाई करी है तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। और दोस्तों साथ में यह भी बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे होगा, कितने पड़ाव होंगे, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वैकेंसी की है इंडिगो एयरलाइंस में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है। अगर आपका सिलेक्शन इंडिगो एयरलाइंस में होता है तो दोस्तों आपको अनलिमिटेड फ्लाइट टिकट मिलेंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, बोनस मिलेगा और काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करें। दोस्तों वैकेंसी निकली है ऑफिसर सिक्योरिटी और ऑफिसर रैंप के पदों पर। मैं आपको बता दूं कि ये ग्राउंड स्टाफ होते हैं, इनका मुख्य काम फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान होता है। सिक्योरिटी का काम होता है पैसेंजर्स के सामान की स्क्रीनिंग करना, जहाज की सुरक्षा करना, और काफी सारे सिक्योरिटी मेजर्स इनको अपनाने होते हैं। और जो रैंप स्टाफ होता है, इनका मेन काम रैंप पे होता है, एप्रन जहाँ पे जहाज खड़ा होता है वहां पे इनका काम होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह वैकेंसी चंडीगढ़, लखनऊ, पंतनगर, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर और ग्वालियर इन स्टेशनों के लिए निकली है, जिसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको, अगर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, आपको छूट मिलेगी। और दोस्तों अगर आपने 12वीं क्लास साइंस साइड से पास करी है तो अगर आप रैंक ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। अब बात करता हूँ इसमें एज क्राइटेरिया की, तो इसमें एज है 18 से 25 साल। जो हमारे भाई लोग 18 से 25 साल के हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ अप्लीकेशन तो ये टोटली ऑनलाइन है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंडिगो एयरलाइन के करियर पेज पे जाना है, वहां पे आपको संबंधित पदों को सर्च करना है और वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इतना करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें आप जाके सीधा क्लिक करेंगे और आपको वैकेंसी दिख जाएगी। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है जिस वैकेंसी के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें फीस की, जिसमें फीस है नील, मतलब आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए एक भी रुपया नहीं देना है। और दोस्तों जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उनका सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होगा। दोस्तों जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपना रिज्यूम उसमें छोड़ेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, अगर आप उनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, वो जगह बताएंगे और डेट बताएंगे, आप उस डेट और स्थान पर पहुंच के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें, क्योंकि इसमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने पासपोर्ट मांगा हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपना करियर एयरलाइंस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो प्राइवेट एयरलाइंस हो, चाहे गवर्नमेंट एयरलाइंस हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो मोस्टली पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट करती है, इसलिए आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा लें जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित। तो चलिए इसी के साथ खत्म करता हूँ वीडियो को और जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।